दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे, मैं आपको ऐसे दो तीन कॉइन बताऊंगा जिसमें लगभग अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं अपने ऊपर, ठीक है, क्या पता पैसा जीरो भी हो सकता है, क्या पता पैसा 10 गुना भी हो सकता है। सीधी सी बात है, आपकी रिस्क है, आपका प्रॉफिट है, आप चाहे तो करिए, आप नहीं चाहे तो मत करिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक कॉइन, जो दो चार कॉइन बताऊँगा उसमें से सभी में बड़ा प्रॉफिट आप कर सकते हैं, और वो भी कैसे, ठीक है। तो उनको होल्ड करना है, होल्ड करके भी आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सब बताने से पहले, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम में और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको हमेशा कुछ न कुछ अपडेट हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो जैसे कि रिच क्विड, ठीक है, मैं यहाँ पे टच करेंगे और रिच ओके, और यहाँ पे हम इस टोकन्स को देखते हैं तो प्राइस काफ़ी लो है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शंस ये अपने को यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे इनकी वॉच लिस्ट देखिए आप, 14,69,000 है, ठीक है। तो एक ये लगता है कि मैं 3 दिन से इस टोकन्स को देख रहा हूँ, लगभग 3100 की रैंकिंग पे था, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर 2700 पे आ चुका है, और यहाँ पे लगभग 2 दिन के अंदर बहुत बड़ा पंप भी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर इनके टेलीग्राम लिस्ट के ऊपर हम देखते हैं वापस, टेलीग्राम नहीं ट्विटर के ऊपर, तो ट्विटर के ऊपर बार बार कुछ न कुछ अपडेट्स यहाँ पे मिलती हैं, और अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है परंतु यहाँ पे 68,000 फॉलोअर्स भी यहाँ पे इनके बन चुके हैं, और पर डे नई नई अपडेट यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप $10-20 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं, परंतु रिस्क तुम्हारी है, पैसा तुम्हारा है, प्रॉफिट तुम्हारा है। अब दूसरा जो टोकन्स है, मैं बात करूँगा माइक्रोपेट्स, माइक्रोपेट्स जो भी ट्रेडिंग में चल रहा है, और माइक्रोपेट्स जो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो लगभग 607 की रैंकिंग पे है, और यहाँ पे अगर हम इसको होल्डिंग करते हैं, अभी तक 50% सप्लाई हुई है, लगभग 5,000 बिलियन की, ठीक है, लगभग 10 लाख बिलियन है, तो 10,000 बिलियन की सप्लाई है इनकी, तो आधी सप्लाई यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये माइक्रोपेट्स जो है एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, अगर आने वाले दिनों में अगर ये इनकी जो रैंकिंग है और भी ऊपर जाती है और हम इसको होल्ड करते हैं, इस टोकन की प्राइस अगर 50 पैसे से 1 रुपये भी आती है तो एक चांस होगा कि यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कितना किया था और मेरा कितना हुआ वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ओपन किया, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जो है सच बता रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोपेट्स में ओपन किया और इनकी जो कॉइन मार्केट कैप है काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे लगभग BNB होल्डिंग की अगर बात करेंगे तो 5,700 BNB की होल्डिंग यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पे, लगभग मान के चलिए $26, ठीक है, आज से 3 दिन पहले की बात है, सॉरी 11 हाँ 6-7 दिन पहले की बात है, और यहाँ पे मेरा 4 गुना यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 23 का $100 हो चुका है, तो मान के चलिए कितना गुना हो गया, यानी कि 3 गुना हो गया, 4 गुना, ठीक है। दूसरा जो टोकन्स है, दूसरे टोकन की अगर बात करते हैं, माइक्रोपेट्स हो गया, वो हो गया, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो ये ले सकते हैं, कोई भी एक टोकन भी अगर 50 पैसे 1 रुपये पे चला जाता है तो बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे आपको दे सकता है। दूसरा है कुम सूत्रा, कुम स्टार, ठीक है, कैम स्टार है, लगभग इसकी रैंकिंग है 2700, इसकी रैंकिंग भी काफ़ी उछाल आया है, उछाल यहाँ पर आया है, टोटल जो सप्लाई है काफ़ी हद तक ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 6 लाख बिलियन है, परंतु प्रॉफिट भी यहाँ पे बड़ा कर सकता है, ठीक है।
अगर इनकी बात करते हैं ट्विटर के हिसाब से, तो मेरा प्रॉफिट है जो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे 11,000 इनके फॉलोअर्स हैं और आजकल के जो टोकन्स हैं इसी प्रकार के टोकन मार्केट में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पू कोइन के ऊपर, और मैंने जो लिया है मैं आपको यहाँ पे बताया था, ये कोम स्टार है, लगभग $95 का मेरे पास अवेलेबल हैं, और यहाँ पे लगभग 3591 BNB की यहाँ पे होल्डिंग बन चुकी है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, नीचे आने का चांस ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले परचेज़ किया था 4 तारीख को, तो $21 का किया था और उसका बन चुका था $37, और $49 का कल परचेज़ किया था 6 तारीख को, उसका बन चुका है $70, ठीक है। तो ये भी एक चांस है, अगर यहाँ पे ऊपर जाता है तो बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है। दूसरी बात, इनके होल्डर्स के ऊपर हम नज़र डालते हैं, ठीक है। 29,000 इनके होल्डर्स हैं, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बर्न एड्रेस 35% बर्निंग भी यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो एक चांस है कि ऊपर जाने का, और बाकी देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट, करोड़पति, रोड़पति, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे टोकन की। तीसरे टोकन में एक मिनट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे माइक्रोपेट्स हो गया, और गैलेक्सी हेरोज जो एक गेमिंग टोकन है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, GHC गैलेक्सी हेरोज की अगर बात करते हैं तो कोइन मार्केट कैप पे 473 की रैंक पे है, ठीक है। और वॉच लिस्ट भी बहुत अच्छी है, 14,193 की, और ये एक गेमिंग टोकन है जो है क्लियर है। अगर इनकी मार्केट की देखते हैं तो ऑल टाइम अभी तक ये हाई के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गैलेक्सी हेरोज़ में अगर आप यहाँ पे करते हैं तो ये भी एक अच्छी पोजीशन आपकी बन सकती है। अगर आने वाले दिनों में अगर कुछ नहीं तो भी नॉर्मल सा अगर पंप अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है तो बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हैं। बर्निंग यहाँ पे 6% की हैं, 54% इनके एडमिन के पास हैं, 6% लॉगिन नेटवर्क के पास हैं, और यहाँ पे लगभग 54,660, और यहाँ पे 70-80% तो इनके 4-5 लोगों के पास है, ठीक है। तो ये अगर कुछ बड़ा होता है तो बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हैं। 4-5 एक्सचेंज के ऊपर भी ये लिस्टेड ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो गैलेक्सी हेरोज में मैंने लगभग किया था, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, ये रहा, ओके। मैंने जब लिया था लगभग यहाँ पे लोगों की होल्डिंग हो चुकी है 9,070 BNB की, और मैंने लिया था $27 का, और अभी यहाँ पे मेरे $65 के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। बाकी मार्केट है, पैसा है, तो रिस्क भी है, ठीक है, और रिस्क भी है, दोनों साथ में यहाँ पे चलता है। अब बात करेंगे दूसरा जो टोकन है, एक टोकन है राको, एक मिनट, रेडियो राको, ओके। ये मैंने राको, रेडियो राको, जो बहुत सारे राको नाम से आ जाएंगे यहाँ पे, एक तो अपना टोकन्स यहाँ पे आया नहीं है, रेडी आ गया, ओके। रेडियो राको, अगर राको टोकन की अगर बात करते हैं, कोइन मार्केट कैप पे 230 की रैंक पे है, ठीक है। ये काफ़ी हद तक पंप कर चुका है, मतलब अगर बात मान के चलते हैं तो 0.0024 से स्टार्ट हुआ है और 10 गुना यहाँ पे पंप कर चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे अगर बात करते हैं सप्लाई की, तो 181 बिलियन की सप्लाई है, और यहाँ पे ये जो टोकन्स हैं इनकी गेमिंग में चलता है और NFT मार्केट प्लेस में यहाँ पे चलता है। अगर बात करते हैं लगभग इनके एक्सचेंज की, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, और लगभग अगर मान के चलिए अभी ये 29 पैसे का टोकन है, अगर आने वाले दिनों में अगर 1 रुपये भी हो जाता है तो बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर आपको हो सकता है, ठीक है। तो 26 पैसे का है, 3 पैसे का डिफरेंस हुआ है। और दूसरा जो टोकन्स है, यहाँ पे वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक कर लीजिए, ठीक है।
दूसरा जो टोकन है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लगभग कोड़ी भी आप ले सकते हैं, कोड़ी भी एक अच्छा मतलब पंप यहाँ पे कोड़ी में आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। लगभग 95 बिलियन की सप्लाई है और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म ये भी लग रहा है, बाकी मार्केट है, रिक्स है तो पैसा भी है, ठीक है। जो भी लेना है अपने ऊपर डिपेंड करके लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको और भी बता देता हूँ, बेबी सिबा बोड़ा, बोड़ा टोकन भी आप ले सकते हैं। बोड़ा में लगभग मैंने यहाँ पे 822 BNB की यहाँ पे होल्डिंग है, मैंने लिया था $13 का, मेरे यहाँ पे $50 यहाँ पे अभी तक चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप दूसरा अगर लेना चाहते तो बहुत सारे हैं, रेस हैं, एम पेड हैं, ECT हैं, तो इस तरह के WSG हैं जो लगभग अगर मान के चलते हैं तो मार्केट में इसकी जो बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, 2800 BNB की यहाँ पे होल्डिंग है, $8 का लिया था, यहाँ पे मेरे $11 यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इस तरह से आप ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट लगे अच्छा लगे जो भी करना है अपनी रिक्स पे करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूबर चैनल को। थैंक यू।